नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप आईपीएल के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मुंबई इंडियंस के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की हार के बाद उनके कप्तान श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान सामने आया है। श्रेयस अय्यर के मुताबिक तीनों ही विभागों में दिल्ली कैपिटल्स की टीम अच्छा काम करने में नाकाम रही और मुंबई इंडियंस ने उन्हें आसानी से हरा दिया। श्रेयस अय्यर के मुताबिक उन्होंने 10 से 15 रन कम भी बनाए। एक समय ऐसा था जब मार्कस स्टोइनिस क्रीज पर थे तब वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थी और रन आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो रन आउट हो गए और उसके बाद कोई भी बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी नहीं कर पाया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम इसी कारण निर्धारित 20 ओवर में 162 रन ही बना सकी। मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा, हम 10 से 15 रन शॉर्ट रह गए, अगर 170-175 रन बॉल पर होते तो स्थिति कुछ अलग हो सकती थी। स्टोइनिस का आउट होने का हमें काफ़ी नुकसान हुआ, वो गेंद को काफ़ी अच्छी तरीके से हिट कर रहे थे और उन्हें वो फुटबॉल की तरह नज़र आ रही थी। वो एक बड़ी गलती थी जो हमने की और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा फील्डिंग में भी हमने कई गलतियां की, कुछ कैच छोड़े और मिसफील्ड भी किए। कुल मिलाकर उन्होंने हमें तीनों विभाग में मात दे दी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद श्रेयस अय्यर ने आगे ये भी कहा कि हमें किसी भी टीम को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से स्पिनर ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, अगर पावर प्ले के बाद 2 विकेट हमने और चटका दिए होते तो मैच में वापसी हो जाती। हमारे लिए सबसे अहम चीज़ ये थी कि हम किसी भी टीम को हल्के में ना ले और पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़े। आपको बता दें कि आईपीएल 2020 के 27वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने अबू धाबी में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया और अंक तालिका में अब वह पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 162 का स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में मुंबई इंडियंस ने आखिरी ओवर में 5 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस की टीम अंक तालिका में आखिर तक पहले पायदान पर मौजूद रह पाएगी, हाँ या ना? आप अपनी राय नीचे कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।